মূল্য বৃদ্ধির জাতাকলে পৃষ্ঠ সাধারণ জনগণ। এবার পেঁয়াজ কাঁদাচ্ছে সাধারণ জনগণকে। গত দু তিন দিন আগে বাজারে 40 থেকে 50 টাকা দরে বিক্রি হলেও আজকের বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 80 টাকা করে। পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় বরাক ব্রহ্মপুত্র সহ গোটা আসাম রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছেন। গুয়াহাটির বাজারে খুচরো দোকান এবং ছোট ব্যবসায়ীরা প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি করছেন 80 টাকা কেজি দরে। হঠাৎ করে পেঁয়াজের দাম এভাবে বাড়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। अभी कुल्ला में 75 80 बिकता है, हम लोग 75 बिकता है। अभी 60 रुपये दिया प्याज, 75 हो गया। और ऐसा रहेगा तो कि 100 तक जा सकता है, ऐसा तो हमारा मालूम नहीं है ना। एक सप्ताह में इतना बढ़ा था, बाकी क्या होगा नहीं होगा हमारा मालूम नहीं है। आपके हिसाब से किस वजह से ये प्याज का दाम बढ़ रहा है? हमारा हिसाब से तो एक सप्ताह ऊपर से बढ़ रहा है, तुरा तुरा है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है तो हमारा मालूम नहीं है ना। हमारा छोटा व्यापारी कैसे मालूम चलता है, वो बड़ा बड़ा व्यापारी मालूम पड़ता है। हमारा आज बाजार में गया तो 2 रुपया बढ़ा, कल जाएगा तो और 4 रुपया बढ़ा, ऐसे चल रहा है। मेरा नाम श्रवण कुमार राय हो गया। तो देखा गया है कि पिछले एक सप्ताह से धीरे धीरे करके प्याज का दाम बढ़ रहा है। हाँ, दाम देखिए, मैं ऐसा तो गरीब के लिए होना नहीं चाहिए, और क्या बोलता है, प्याज का दाम आगे बढ़ भी बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है। कारण क्या है नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और वर्तमान में जो ऐसा हो रहा है, गरीब के लिए ऐसा होना नहीं चाहिए इस राज्य के अंदर में। यही मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। ऐसे तो देखिए, छोटा से यार बड़ा से भी जो भी हूँ, और ऐसे जब एक एक दाम में, ये वर्तमान तो बात छोड़ दीजिए, ये प्याज का दाम छोड़ दीजिए, और सभी दाम में ही ऐसा हो रहा है, एक एक दाम में ही जा रहा है। कभी आलू में चला गया, कभी प्याज में चला गया, कभी दाल में चला गया, तो कभी आधा में चला गया, कभी कहीं कहीं जा रहा है। फिलहाल तो एक सप्ताह से ये प्याज का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या ये देखिए, ठीक है, मैं अच्छा बात मैं बोल रहा हूँ आपको। ये अब ऊपर वाला लोग जाने और नीचे का लोग जाने, और अपना ये मर्चेंट का जो यही लोग जाने, अब इनके लिए आप लोग कुछ गुजारिश कर सकते हैं? मतलब प्याज के दाम बढ़ने से सर्वसाधारण जनता का तकलीफ का सामना? ये तो देखिए, ये तो अब सोच लीजिए कि तो पूरा जनता के ऊपर जा रहा है, ये तो पूरा जनता के ऊपर जा रहा है, कहीं अलग तो नहीं जा रहा है। सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, उनका नज़र नहीं है क्या सरकार से? सरकार के पास नज़र नहीं है? सरकार के पास तो नज़र होना ही चाहिए। आज जब ऐसा जो रेट जो दे रहा है, तो सरकार नज़र है, होना ही चाहिए। मैं बोलने से क्या हो गया, चाहे और कोई बोलने से क्या हो गया, यही बात है और क्या। ये तो सब सरकार की बात है। तो मतलब महंगाई हो गया ज्यादा, अभी जनता आंदोलन करने से कुछ करने से क्या करेगा, सरकार तो कुछ करेगा नहीं। आंदोलन तो कितना किया है, गरीब को ही महंगाई पड़ेगा, गरीबी मुसीबत में घिरेगा। इलेक्शन आएगा तो बोलेगा वो देगा, कुछ तो देता ही नहीं है। ऐसे बोलते बोलते इलेक्शन पार हो जाता, फिर ऐसे ही हो जाता है, क्या कीजिएगा। प्याज का दाम बढ़ने से जनसाधारण का तकलीफ का सामना? प्याज तो कल आपको क्या बोला, एक नेता बीजेपी का नेता बोला है प्याज का जगह में आप वो खाओ, पासपूरन खाओ, ऐसे बोला है। तो सामान का जब महंगाई होता है तो वैसे नेता लोग बोलेगा तो पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक का तो कोई रास्ता नहीं है। अभी मार्केट में आया, ये सब जैसे बोला है वैसे ही लेने पड़ता है। कोई तो दाम इन लोग बोलता है जो कैसे कमती करेगा, हम लोग का भी खर्चा है, ऐसे बोल रहा है।